हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का वर्बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सुपर सेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उसमें यहाँ पे जो क्लूज दिए हैं वो यूज़ करके यहाँ पे हमें आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट है, एज द आंट्स मूव दे लीव देयर डैश डैश ऑन द ग्राउंड। अगर आंट्स मूव करती हैं वहाँ से, मतलब जाती भी हैं तो भी वहाँ पे उनकी जो स्मेल है वो ग्राउंड पे छोड़ देती है। सेकंड, मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। तो मॉस्किटोज जो होते हैं वो हमारी बॉडी की स्मेल को सूंघ के हमें पहचान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, हम हैं। तीसरा है, सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सी डैश डैश टाइम्स एज फार एज वी कैन। जो काइट्स होते हैं, ईगल्स होते हैं और वल्चर्स होते हैं वो 4 times दूर का क्या करते हैं, हमें देख सकते हैं। 4, डैश डैश लुक्स लाइक अ बियर एंड स्लीप्स फॉर अबाउट 17 hours अ डे। स्लोथ जो होते हैं वो बियर की तरह दिखते हैं और वो पूरे 17 hours तक सोते हैं। 5th है, पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड डैश डैश एंड डैश डैश। पीपल जो होते हैं वो एनिमल्स को मार देते हैं। जो पीपल्स एनिमल्स को मार देते हैं उन्हें हंटर्स एंड पोचर्स कहा जाता है। अभी सेकंड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन मूव देयर आईज। बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं वो अपने आईज को मूव कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। सेकंड, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो अपने आईज को मूव नहीं कर सकते थे। सेकंड, एनिमल्स कैन सी मोर कलर्स देन ह्यूमंस कैन। एनिमल्स जो होते हैं वो ह्यूमंस से ज़्यादा कलर देख सकते हैं। ये उल्टा इन्होंने लिखा है, मतलब ये फॉल्स आएगा। 3rd, डॉग्स नो इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय मूवमेंट। डॉग जो होते हैं वो अनदर, दूसरे जो डॉग्स होते हैं, दूसरे एरिया के डॉग, वो उनके मूवमेंट से पहचानते हैं, तो ये फॉल्स आएगा। 4th का है, स्लोथ लिव फॉर अबाउट 20 years। स्लोथ जो होते हैं वो 20 साल तक जीते हैं, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि स्लोथ 17 years तक जीते हैं। 5th, एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। अगर एनिमल्स जो रात को जागते हैं उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही चीज़ें दिखती है, तो ये ट्रू है, जैसे उल्लू वगैरह। 6, अ टाइगर रोअर कैन बी हियर्ड अप टू 6 kilometers अवे। जो टाइगर होता है वो 6 kilometers दूर तक उसकी गरजने की आवाज़ आती है, रोअरनेस आती है, तो ये फॉल्स है, सिर्फ 3 kilometers तक ही आती है। अभी 3rd हम देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs। फर्स्ट, विच एनिमल्स कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही उनको दिखता है, तो ये आएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बर्ड्स, बैट्स, रैट्स और स्नेक्स, तो इसमें से आएगा बी, बैट्स, जो कि सिर्फ रात को निकलते हैं इसलिए उन्हें ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट वार्न अदर एनिमल्स ऑफ डेंजर। नीचे दिए गए ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो अदर एनिमल्स को अगर कोई डेंजर, मतलब कोई बुरी चीज़ होने वाली है, तो उससे वार्न करते हैं, तो उसमें वो आएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन होते हैं कि जो अगर कोई डेंजर यहाँ पे है, जैसे कि भूकंप वगैरह, सुनामी वगैरह अगर कुछ आने वाला है, तो अदर एनिमल को क्या करते हैं, पहले ही बता देते हैं। 3rd का है, विच एनिमल्स आर नॉट सीन इन विंटर्स। कौन से एनिमल्स हैं जो ठंडी में नहीं दिखते हैं, तो बर्ड्स, बर्ड्स तो हमें ठंडी में दिखते हैं, लंगूर्स भी दिखते हैं
और जो लिझार्ड होते हैं विच एनिमल्स आर नॉट सीन इन विंटर्स, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो विंटर्स में नहीं दिखते हैं, तो बर्ड्स, लंगूर्स या फिर लिजार्ड और ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम इसका आंसर आएगा। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। वेयर इज घना नेशनल पार्क, घना नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो भी राजस्थान में है। व्हाट सेंसेस डू द फॉलोइंग एनिमल्स यूज टू फाइंड देयर फूड, अभी जो एनिमल्स हैं उनके जो सेंसेस हैं जिससे वो फूड कलेक्ट करते हैं, फूड को सर्च करते हैं, तो यहाँ पे एनिमल्स दिए हैं और उनके सेंसेस हमें लिखने हैं। फर्स्ट डॉग, डॉग के पास क्या सेंसेस होता है, तो स्मेल। सेकंड ईगल, ईगल के पास क्या सेंसेस होता है, कि वो ज़्यादा से दूर दूर का देख सकते हैं, सी। थर्ड आंट, आंट के पास स्मेल ये सेंसेस होता है। फोर टाइगर, टाइगर के पास सी मतलब वो देख सकता है अच्छे से शार्पली और हियर शार्पली, छोटे से छोटा आवाज़ भी वो सुन सकता है। फिफ्थ स्नेक, फील कर सकता है। सिक्स मॉस्किटो, स्मेल करते हैं, ये सेंसेस उनके पास होते हैं। अभी अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखने वाले हैं, फिफ्थ वाला। मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स ऑन द राइट विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन द लेफ्ट, क्या बताया है कि पिक्चर्स को, एनिमल्स के जो पिक्चर्स है वो उनके डिस्क्रिप्शन से क्या करना है, मैच करना है। तो फर्स्ट दिया है इट कैन फाइंड इट्स फीमेल बाय हर स्मेल, ये जो है अपनी फीमेल को स्मेल से ढूंढता है, तो ये क्या आएगा। सिल्क वॉर्म जो कि अपने फीमेल को स्मेल से ढूंढते हैं। सेकंड इट टर्न्स इट्स हेड टू सी अराउंड, ऐसा कौन है जिनको देखने के लिए अपने हेड को पूरा इस तरह से टर्न करना पड़ता है, तो वो है बर्ड, स्मैरो, स्पैरो, क्योंकि उनकी आंखें हेड के दोनों तरफ रहती हैं, एक तरफ नहीं रहती हैं। थर्ड इट कैन फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, ऐसा कौन है जो वाइब्रेशन से फील कर सकता है जमीन के, जमीन पर, तो जमीन पर स्नेक होते हैं जो वाइब्रेशंस को फील करके पता लगाते हैं कि यहाँ पे डेंजर है या नहीं। इट कैन मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू अदर एनिमल्स, ऐसा कौन सा एनिमल है जो अलग अलग साउंड्स निकाल के बाकी अदर एनिमल्स को मैसेजेस देता है, तो वो है डॉल्फिन, इसका आएगा सी। उसके बाद है इट स्लिप्स इन द कोल्ड सीजन, ठंडी के सीजन में कौन सोया हुआ रहता है, तो ये सोई हुई रहती है चिपकली। ओके इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, सिक्स नंबर मेनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड, मैच द एनिमल्स विद द पार्ट फॉर विच दे आर किल्ड, बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया जाता है क्योंकि उनके जो पार्ट्स होते हैं वो बाहर बड़ी से बड़ी कीमत से बेचे जाते हैं, तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं और उनके कौन से पार्ट्स हैं जिनकी वजह से उन्हें मारा जाता है, ये हमें लिखना है। तो एनिमल्स के नाम हमें दिए हैं, बस पार्ट ऑफ देयर बॉडी उनकी बताना है। फर्स्ट है एलिफेंट, तो एलिफेंट का होता है टस्क, मतलब उसका जो दांत होता है वो बेचने के लिए उनको मारा जाता है, पूरे एक एलिफेंट को मारा जाता है। सेकंड राइनासेरोस, राइनासेरोस को हॉर्न्स की वजह से मारा जाता है। थर्ड है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की स्किन की वजह से उसको मारा जाता है। फोर्थ नंबर है डियर, डियर का जो मस्क होता है उसकी वजह से उसे मारा जाता है और उसका पार्ट बेचा जाता है। फिफ्थ स्नेक को स्किन की वजह से। ओके तो इस तरह से, तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद सेवन क्वेश्चन है, कैटेगरी द फॉलोइंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल एज गुड और बैड एंड फिल इन द कॉलम्स बिलो, अभी हमें गुड स्मेल और बैड स्मेल के बारे में
लिखना है नीचे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिए हैं, तो उसमें से गुड स्मेल और बैड स्मेल कौन सा है वो हमें देखना है। तो इसमें गार्बेज डंप दिया है, गार्बेज मतलब कचरा जो होता है वो, उससे गुड स्मेल आती है या बैड स्मेल, तो बैड स्मेल में हमें वो लिखना है। उसके बाद है फ्लावर, फ्लावर से गुड स्मेल आती है तो वो गुड स्मेल में आएगा। डर्टी सॉक्स, डर्टी सॉक्स से बैड स्मेल आती है तो वो बैड स्मेल के कॉलम में आएगा। पेट्रोल, पेट्रोल का स्मेल जो है वो सबको ही पसंद नहीं है लेकिन कुछ कुछ को पसंद है, तो आपको पसंद होगा तो गुड स्मेल में लिखिए, नहीं पसंद है तो बैड स्मेल में लिखिए। रोटन फूड मतलब जो जला हुआ खाना होता है उसकी बैड स्मेल आती है, तो उसके लिए वो बैड स्मेल में लिखिए। फिश, फिश जो होती है उसकी भी स्मेल आती है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बैड होती है, तो बैड स्मेल में लिखेंगे। कॉफ़ी, कॉफ़ी की स्मेल बहुत अच्छी होती है इसलिए वो गुड स्मेल में लिखेंगे। पिकल, पिकल की स्मेल अच्छी होती है इसलिए वो गुड स्मेल में लिखेंगे। सोप की भी स्मेल अच्छी होती है, गुड स्मेल में लिखेंगे। उसके बाद रॉ एग, कच्चा जो एग होता है उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा बैड होती है तो वो बैड स्मेल में लिखेंगे। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स। हमें रीज़न बताना है एनिमल्स के बिहेवियर के ऊपर। तो फर्स्ट है, एज यू वॉक पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस। अगर आप किसी सोए हुए डॉग के पास से धीरे धीरे चल के भी अगर गुजरते हैं तो इट ईयर्स शॉट अप एट वंस, तो वो अपने कान ऊँचे कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे उसे कैसे समझ में आता है, बिकॉज द हियरिंग सेंस ऑफ डॉग इज वेरी शार्प। हियरिंग सेंस जो होता है डॉग का वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। ओके, उसके बाद सेकंड दिया है, यू वेयर इटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड एन ईगल सडनली फ्ल्यू डाउन एंड टूक अवे यूअर रोटी। आप जब ग्राउंड पर खाना खाते हुए रहते हैं तो ईगल आता है और आपकी जो रोटी है वो लेके चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ईगल्स हैव वेरी सेंस ऑफ विजन। उनके पास क्या होता है, दूर का देखने का क्या होता है, सेंस होता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक का देख सकते हैं, तो वो आकाश में कितना भी ऊंचा उड़ ले उनको नीचे का दिख जाता है। अगला है तीसरा, डॉग्स डॉग्स स्निपिंग हियर एंड देयर ऑन द रोड। डॉग जो होता है उसको हम जब भी देखते हैं वो कुछ सूंघते रहता है रोड के ऊपर, कुछ तो भी सूंघते रहता है, तो ऐसा क्यों करता है वो, बिकॉज दे वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेलिंग। उसके पास स्मेलिंग की बहुत अच्छी क्या होती है, सेंस होती है, स्मेलिंग से वो पहचान जाता है कोई भी चीज़। फोर्थ नंबर है, सी एनिमल्स सडनली बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर। अगर सी में रहने वाले एनिमल्स, फिर वो जो कोई भी हो, फिश हो, डॉल्फिन हो, कोई भी हो, वो अगर अलग मैनर डिफरेंट तरीके से अगर वो ये कर रहे, बिहेव कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, बिकॉज फिशेस हैव स्ट्रांग सेंस ऑफ फीलिंग टू, उनके पास क्या होता है, स्ट्रांग सेंस होता है फील करने का, वाइब्रेशन से उन्हें फील होता है कि कुछ तो भी क्या होने वाला है, बहुत बड़ा डेंजर होने वाला है। बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन। बर्ड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको कोई भी चीज़ देखने के लिए मूव करना पड़ता है, ठीक है, एक तरफ से उनको नहीं देखता आता है, बिकॉज बर्ड्स हैव फिक्स आइज दैट्स दे मूव देयर नेक वेरी ऑफन। उनको पूरा क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। कुछ एनिमल्स के नाम नीचे दिए हैं, इन फ्रंट ऑफ द एनिमल्स दैट कैन सी वेरियस कलर्स एंड फ्रोनी, इन फ्रंट ऑफ द एनिमल्स दैट कैन सी ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर्स। जैसे कि क्रो, क्रो क्या होता है, अभी जिन एनिमल्स को
वेरियस कलर्स दिखते हैं वहाँ पे स्माइली लगाना है, और जिन एनिमल्स को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखता है उस एनिमल के पास सैड स्माइली लगानी है। तो क्रो मतलब कौवा जो कलर्स देख सकता है इसलिए स्माइली लगाया, डॉग भी देख सकता है इसलिए स्माइली, बैट नहीं देख सकता उसको ब्लैक एंड वाइट दिखता है इसलिए सैड, काऊ जो होती है उसको दिखता है इसलिए स्माइली, फॉक्स को नहीं दिखता है इसलिए सैड, आउल को भी नहीं दिखता इसलिए सैड। नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। डिफरेंस इन स्लीपिंग टाइम ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स के स्लीपिंग टाइम कौन सा है। ओके तो इसके जो आंसर्स हैं अगर आपको बुक से मेरे नहीं समझ रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको जो टेक्स्ट हैं वो लिख के दिए हैं, इसके आंसर्स लिख के दिए हैं उसमें से आप कॉपी कर सकते हो। डिफरेंट एनिमल, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस इन स्लीपिंग टाइम ऑफ द एनिमल, स्लीपिंग टाइम क्या है एनिमल्स के, तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट स्लीपिंग टाइम, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग स्लीपिंग टाइम होते हैं। जैसे कि अ स्लोथ स्लीप फॉर 17 आवर्स, अ काउ स्लीप्स फॉर 4 आवर्स, अ पाइथन स्लीप फॉर 18 आवर्स, अ जिराफ फॉर 2 आवर्स, अ कैट स्लीप्स फॉर 12 आवर्स। ओके अलार्म, सेकंड क्वेश्चन है अलार्म कॉल्स गिवन बाय डिफरेंट एनिमल्स, तो अलार्म कॉल्स अलग अलग एनिमल्स कैसे देते हैं अगर कोई डेंजर उनको पता चला तो। तो अ लंगूर मेक स्पेशल टू वॉर्न अदर एनिमल उसके बाद ऑफ द डेंजर, उसके बाद बर्ड जो होते हैं बर्ड मेक डिफरेंट साउंड, उसके बाद फिश गिव इलेक्ट्रिक टू वॉर्न, उसके बाद है डॉल्फिन यूज इन लोकेशन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तो इस तरह से अलग अलग साउंड्स निकाल के क्या करते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो वॉर्न करते हैं। ठीक है अगला जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। फर्स्ट व्हाई आर लिजार्ड नॉट सीन इन विंटर्स, लिजार्ड मतलब चिपकली जो होती है वो हमें ठंडियों में मतलब विंटर्स में क्यों दिखाई नहीं देती है। सो इसका आंसर है लिजार्ड्स गो ऑन लॉन्ग डीप स्लीप इन विंटर, बिकॉज लिजार्ड जो होती है वो विंटर में बहुत ज़्यादा सोती हैं और उसे ही हाइबरनेशन कहा जाता है, क्योंकि टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, ठंडी से वो खुद को बचा सके। व्हाई आर डॉग्स यूज इन स्पेशल सर्च ऑपरेशंस बाय पुलिस, डॉग्स पुलिस जो होते हैं वो डॉग्स को उनके स्पेशल सर्चिंग ऑपरेशंस में क्यों यूज़ करते हैं, ये तो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है कि द डॉग हैव सुपर सेंस ऑफ स्मेल दैट इज़ बाय देयर आर यूज बाय पुलिस टू सर्च लॉस्ट थिंग्स एंड थीव्स, उनके स्मेल के सुपर सेंस से पुलिस क्या करते हैं जो गुम की हुई चीज़ें हैं वो भी ढूंढते हैं और चोरों को भी पकड़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स सी टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, बहुत सारे बर्ड्स एक वक्त में दो अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, ऐसा क्यों, बिकॉज आइज ऑफ द बर्ड्स आर फिक्स ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड, जो बर्ड्स होते हैं उनकी आँखें दोनों अलग अलग साइड्स में होती हैं, सो दे कैन सी टू डिफरेंट थिंग, इसलिए वो दो अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। व्हाई डू स्नेक्स रिएक्ट टू साउंड्स ऑल्दो दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, स्नेक्स जो होते हैं वो अपने उनके एक्सटर्नल ईयर्स तो नहीं होते हैं, फिर वो साउंड को कैसे रिएक्ट करते हैं। स्नेक्स कैन फील द वाइब्रेशन इन द एयर विद देयर सुपर सेंसिटिव स्किन विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू सेम साउंड, स्नेक जो होते हैं वो एयर के जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको भी फील करते हैं उनके सेंसिटिव स्किन से। फिफ्थ हाउ डिड द ट्राइब्स लिविंग इन अंडमान आइलैंड मैनेज टू सेव themselves फ्रॉम द सुनामी, जो ट्रिबल्स होते हैं जिससे कि आदिवासी लोग
वो खुद को सुनामी या फिर कोई भी डेंजर चीज़ों से कैसे बचाते हैं। तो दे ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग इन सी हु बिहेव डिफरेंटली टू वॉर्न अगेंस्ट द डेंजर। जो सी में रहने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर को वो देखते रहते हैं, और अगर उनमें कुछ चेंजेस हुआ तो वह समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या है, कुछ तो भी डेंजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर लिजार्ड्स नॉट सीन इन विंटर्स? बिकॉज लिजार्ड्स गो ऑन लॉन्ग डीप स्लीप इन विंटर कॉल्ड हाइबरनेशन टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम कोल्ड। कोल्ड से बचने के लिए लिजार्ड विंटर में नहीं दिखती हैं क्योंकि वो डीप स्लीप में जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर डॉग्स यूज इन स्पेशल सर्च ऑपरेशंस बाय पुलिस? पुलिस जो होते हैं वो अपने स्पेशल ऑपरेशंस में, जैसे कि चोरों को पकड़ने के लिए कुछ वस्तु गुम हो जाए तो उसे ढूंढने के लिए डॉग्स को क्यों यूज करते हैं? सो बिकॉज द डॉग्स हैव सुपर सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज बाय देयर आर यूज बाय पुलिस टू सर्च लॉस्ट थिंग्स एंड थीव्स। उनके पास क्या होता है, सुपर सेंस ऑफ स्मेल होता है, सेंस स्मेल का सुपर सेंस होता है, इसलिए उनको डॉग्स को पुलिस यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स सी टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम? बर्ड्स एक ही टाइम पर दो अलग अलग चीज़ें कैसे देख सकते हैं? सो आईज ऑफ बर्ड्स आर फिक्स ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड सो दे कैन सी टू डिफरेंट थिंग्स। Why do snakes react to sounds although they do not have external ears? Snakes जो होते हैं वो sounds सुनने के लिए उनके external ears होते हैं, या snakes को external ears नहीं होते हैं, फिर वो कोई भी sounds पर कैसे react करते हैं? So snakes can feel the vibration in the air with their super sensitive skin which is produced due to same sound. Okay, snake जो होते हैं उनके पास vibrations feel करने के लिए उनकी जो skin होती है वो काफ़ी होती है, वो ज़्यादा sensitive होने की वजह से उनको air के जो vibrations है वो feel हो जाते हैं। How did the tribes living in Andaman Island managed to save themselves from the tsunami? जो अंडमान आइलैंड में जो ट्रिप्स हैं, मतलब जो आदिवासी हैं, ट्रिबल्स रहते हैं, वो अपना बचाव सुनामी से कैसे कर पाए? सो आंसर इज दे ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग इन द सी हु बिहेव डिफरेंटली टू वॉर्न अगेंस्ट द डेंजर। वो हमेशा जंगलों के जो एनिमल्स होते हैं उनको देखते हैं, और उस दिन उनको उनका जो सी के जो समुंदर में रहने वाले जो भी एनिमल्स है जैसे फिश वगैरह, तो उनके बिहेवियर उनको कुछ अलग लगे, तो इसके वजह से वो समझ गए कि कुछ तो भी डेंजर है, होने वाला है, इसलिए वो वहाँ से चले गए। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द एनिमल सीन इन द पिक्चर? द नेम ऑफ द एनिमल सीन इन द पिक्चर इज लंगूर। ये जो पिक्चर है जो कि हमें दिखाई दे रहा है वो लंगूर का पिक्चर है। सेकंड क्वेश्चन है, How does this animal warn other animal of its area about the danger? जो एनिमल होते हैं वो अपने एरिया के एनिमल्स को डेंजर से कैसे वार्न करते हैं, कैसे बताते हैं? सो लंगूर हैव सुपर सेंस ऑफ साइट, दे कैन सी
टाइगर और लियोपार्ड्स फ्रॉम हाइट एंड ट्री एंड वॉन एनिमल बाय मेकिंग स्पेशल साउंड। लंगूर जो होते हैं उनके पास वो दूर तक का देख सकते हैं और इसलिए वो कुछ स्पेशल साउंड निकाल के एक झाड़ के हाइट पर जाके बाकी एनिमल्स को क्या करते हैं, वॉर्न करते हैं कि कुछ तो भी डेंजर है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल एंड एट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट टाइगर। टाइगर जो है वो जंगल का सबसे अलर्ट एनिमल है और इतना स्ट्रांग है कि फिलहाल बहुत डेंजर में चला गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट टाइगर। तो टाइगर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच सेंस ऑफ द टाइगर इज वेरी स्ट्रांग। टाइगर के पास ऐसे कौन से सेंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एंड हाउ डज दिस सेंस हेल्प द एनिमल इन फाइंडिंग फूड। और एनिमल को फूड जो होता है वो फाइंड करने के लिए वो कैसे हेल्प करता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें सॉल्व करना है। आंसर है टाइगर्स हैव सुपर सेंस ऑफ साइट विच हेल्प देम टू हंट एट नाइट। टाइगर के पास देखने की जो सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और इसी वजह से वो रात को भी शिकार कर सकते हैं। टाइगर हैव सुपर सेंस ऑफ हियरिंग विच कैन कैप्चर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस ऑफ साउंड। टाइगर के पास सुनने की जो हियरिंग सेंसेस होती है वो भी बहुत बढ़िया होती हैं और शार्प होती हैं। इसकी वजह से किसी भी डायरेक्शंस में अगर धीरे से भी आवाज़ आई तो भी वो कैप्चर कर लेता है और अपने शिकार को पकड़ ही लेता है। टाइगर विस्कर आर सुपर सेंसिटिव टू वार्ड मूवमेंट। दिस ऑल हेल्प द टाइगर टू फाइंड फूड। धीरे से धीरे हुई हलचल भी टाइगर समझ जाता है और अपने खाने को पकड़ ही लेता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है हाउ डज अ टाइगर मार्क इट्स एरिया। टाइगर अपने एरिया को किस तरह से मार्क करके रखता है। सो टाइगर मार्क देयर एरिया बाय द यूरिन। टाइगर जो होता है वो अपने एरिया को यूरिन से मार्क करके रखता है ताकि उसे समझ में आए कि यहाँ तक ही हमारा एरिया है। व्हाट हेल्प्स अ टाइगर टू मूव इन द डार्क। टाइगर जो होता है वो अंधेरे में कैसे चल पाता है या फिर मूव कर पाता है। सो टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस वाइब्रेशन और मूवमेंट इन द एयर वेरी इजीली। टाइगर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सेंस और वाइब्रेशंस और मूवमेंट्स भी उसको पता चल जाता है। हवा में कुछ भी हुआ कि उसको पता चल जाता है। इस तरह से वो अंधेरे में भी सर्वाइव करता है। अगला क्वेश्चन है टाइगर्स आर इनडेंजर्ड एनिमल्स हाउ। टाइगर्स अब बहुत ज़्यादा फिलहाल डेंजर में है ऐसा क्यों। सो इनडेंजर्ड मेन दे आर हंटेड किल फॉर देयर स्किन बिकॉज टाइगर्स को मार दिया जाता है क्योंकि उसके स्किन की वजह से। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स ने स्टेप उठाया है। सो गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज अगेंस्ट हंटिंग एनिमल एंड ऑल्सो हैज़ प्रोटेक्शन टू मेनी पार्क्स एंड फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ नेशनल पार्क वेयर आर एनिमल्स आर गिविंग प्रोटेक्शन बाय फ्रॉम डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेस। जो भी गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि कोई भी जो एनिमल्स की हंटिंग नहीं करेगा और उन्हें पकड़ के नहीं रखेगा, इस तरह से उन्होंने लॉ बनाया है जिसके वजह से सारे टाइगर्स अभी प्रोटेक्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें देखना है 14 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट स्लोथ। अभी स्लोथ के बारे में हमने लेसन में पढ़ा कि स्लोथ जो होता है
वो एक झाड़ पे लटक के रहता है, तो उसके बारे में क्वेश्चंस और आंसर्स हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू स्लॉथ्स ईट। व्हाट डू स्लॉथ्स ईट, स्लॉथ क्या खाता है। सो स्लॉथ ईट लीव्स ऑफ द ट्री विच इट लीव्स, जिस झाड़ पर वो रहता है उसी झाड़ के पत्ते वो खा लेता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डू दे मूव टू अनदर ट्री, वो कब अगले ट्री पर मूव करता है जाता है। व्हेन द स्लोथ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम वन ट्री देन दे ओनली मूव टू अनदर ट्री, जब जिस झाड़ पर वो लटका हुआ है उस ट्री पर के लीव्स जब ख़त्म हो जाते हैं तब उसे दूसरे ट्री पर मूव करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू स्लोथ कम डाउन फ्रॉम द ट्री वंस अ वीक। स्लोथ हफ्ते में सिर्फ एक ही बार पेड़ से क्यों उतरता है। सो स्लोथ कम डाउन फ्रॉम द ट्री वंस अ वीक टू रिलीव इट्सेल्फ, खुद को रिलीव करने के लिए मतलब आराम देने के लिए झाड़ से नीचे उतरता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट आंट्स। अभी अगला जो क्वेश्चन है वो हमें आंट्स पे पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आंट्स अराइव सून आफ्टर सम शुगर जैगरी एक्सेट्रा इज ड्रॉप ऑन द ग्राउंड। जो आंट्स होते हैं वो अगर ज़मीन पर कुछ शुगर और जैगरी गिर जाए तो जो आंट्स होते हैं वो क्यों और कैसे वहाँ पे आ जाते हैं। सो आंट्स हैव सुपर सेंस ऑफ स्मेल, आंट्स के पास क्या होता है, स्मेल का सुपर सेंस होता है। व्हेन अ वर्कर सम फूड लाइक शुगर जैगरी इट सेन सिग्नल एंड कॉल्ड अनदर आंट्स। जो आंट्स होते हैं स्मेल से पता चल जाता है यहाँ पे शुगर और जैगरी गिरी हुई है, सो वो अदर आंट्स को भी जाके बताते हैं। वेयर डू द आंट्स लाइव, सेकंड क्वेश्चन है कि आंट्स कहाँ पे रहते हैं। सो आंसर इज आंट लिव्स इन बोरो एंड आंट हिल, ऐसे कोई बड़ी सी हिल है तो वहाँ पे क्या करते हैं आंट्स रहते हैं। हाउ आर आंट्स एबल टू रिकग्नाइज देयर फ्रेंड्स और ग्रुप मेंबर्स। आंट जो होते हैं वो फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप मेंबर्स को कैसे रिकग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं। सो आंसर इज द आंट रिकग्नाइज देयर फ्रेंड्स और ग्रुप ऑफ मेंबर्स बाय देयर स्मेल, उनके स्मेल से वो रिकग्नाइज करते हैं अपने फ्रेंड्स और ग्रुप ऑफ मेंबर्स को। तो इस तरह से हमने वर्कबुक के सारे क्वेश्चन फर्स्ट लेसन के सॉल्व कर लिए और ऐसे ही हम सेकंड लेसन के भी सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।